मैं शिफाली और आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। हर बार आप सोच रहे होंगे कि कभी प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब जो हैं वो कभी स्टूडियो में नहीं बैठते आजकल, क्योंकि आप देखते हैं कि हर बार कंसेप्ट जो है वो अलग होता है। आज का कंसेप्ट भी हमारा थोड़ा सा अलग है। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे जो हैं दौड़ते हुए घोड़े हैं। देखो ये भी एक वास्तु का टिप है, क्योंकि प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब बहुत बड़े ज्ञानी और खोजी हैं। उनकी हर बात में कुछ ना कुछ ट्विस्ट निकल आता है, हर बात में कोई ना कोई रहस्य निकल आता है। तो आज इसके बारे में भी रहस्य जानेंगे, क्योंकि आज बैठे हुए हैं हम प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब के घर में। लेकिन आप जानेंगे कि आपके लिए तो कोई ना कोई आपके लिए वीकली डे होगा जिसमें आप ऑफ लेते होंगे, या फिर सरकार ने ही एक वीकली डे कर दिया जैसे सैटरडे और संडे। लेकिन प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब हमें कभी छुट्टी नहीं देते। आज संडे का दिन है, फिर भी अपने घर से बुला मेरे घर से फ़ोन किया, मेरे घर पे फ़ोन किया, जी आज हमने शूट करना है तो आप भेजिए उन्हें। तो मना मैं कर नहीं सकती, क्योंकि ऑफ है चाहे जैसा मर्जी है, लेकिन करना पड़ता है, उनके साथ काम करना पड़ता है। क्योंकि ऐसे ही नहीं इंसान अमीर बनता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब को कि आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं, लेकिन आपने बहुत छोटे से लेवल से बहुत ऊपर तक आ पाए, आपने बहुत तरक्की की। उसके पीछे यही एक रहस्य है, वो कभी फ्री नहीं बैठते, कभी अकेले नहीं बैठते, पूरा परिवार लेके बैठते हैं। अगर कहीं ऑफिस में भी बैठते हैं तो उनकी एक पूरी टीम है जिसको टीम वर्क के साथ करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे हमें। क्योंकि आज थोड़े टाइम बाद, आज से 2-3 महीने बाद शायद उनकी एक दिनचर्या आए, हम उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो उनकी डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखना, उनकी दिनचर्या ज़रूर देखना, क्योंकि कैसे वो स्ट्रगल करके बहुत ऊपर तक पहुँचे। आप भी पहुँच सकते हैं ऐसे ही ऊपर तक। हमेशा हम सोल्यूशन लेकर आते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये बात, इस टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक मेरा बहुत ही डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि मुझे याद आ गया एकदम से बैठे बैठे कि इनके घर में ना ये जो वॉल लगी हुई है, चलते हुए दौड़ते हुए घोड़े हैं। ऐसे ही कुछ इंसान जो हैं वो घर से ही दौड़ जाते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, नीचे अपॉइंटमेंट नंबर लिखे हुए हैं, इन्हीं पे आपको कॉल करना है और इन्हीं पे आपको अपॉइंटमेंट लेनी है। तो हम पहले स्वागत कर लेते हैं और एपिसोड के बाद में चर्चा करेंगे। तो प्रोफेसर साहब स्वागत है आपका। नमस्कार प्रोफेसर साहब, आप ही के घर में आप ही का स्वागत कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। जी आप ही का स्टूडियो है, सब कुछ आप ही का ही है और आप ही की देन है। ओम नमः शिवाय। जी प्रोफेसर साहब, आपने एक वॉल के ऊपर दौड़ते हुए घोड़े लगा रखे हैं, बहुत अच्छी सीनरी लगा रखी है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है और मेरा ड्रेसिंग सेंस भी बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है। मुझे पता नहीं था कि आप ये कंसेप्ट चूज़ करेंगे। तो प्रोफेसर, ये दौड़ते हुए घोड़ों से याद आया कि कुछ लोग घर से भाग जाते हैं, कुछ लोग घर से भाग कर सन्यासी बन जाते हैं, कुछ लोग अपनी जिम्मेवारी से ऐसे भागते हैं कुछ करना नहीं चाहते, कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन सारी ज़िंदगी कुछ नहीं कर पाते, और कुछ ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं करना चाहते, सारी ज़िंदगी फ्री बैठते हैं लेकिन उनके घर वाले, उनकी फैमिली मेंबर, उनके बच्चे तक उनसे परेशान हो जाते हैं। क्योंकि प्रोफेसर, जैसे कि आप हो, आप पूरी फैमिली का उसकी टेक केयर करते हो, और आपके अगर स्टाफ है तो उसकी टेक केयर करते हो, कम से कम आपके नीचे 100-150 बंदा काम करता है, तो आपको हर बंदे की फिक्र रहती है। तो हर एक व्यक्ति ऐसा ही इंसान चाहता है कि ऐसा ही एक हमारा घर वाला, हमारा हस्बैंड या हमारा बाप या हमारा फादर ऐसा ही हो जैसे कि आप हैं। लेकिन कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह खराब होता है कि इंसान घर से ही भाग जाता है और कुछ कार्य नहीं करता? बहुत अच्छा पूछा शिवाली जी आपने। आज आपने बात की, कुछ लोग जो होते हैं अपनी जिम्मेवारियों से भाग जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं संत बन जाते हैं, कहीं, वैसे तो मैं सबको भगोड़ा बोलता हूँ जो अपनी, कहते हैं, जिम्मेवारियों को छोड़कर भागते हैं। कहते हैं मैं तप करने जा रहा हूँ, जप करने जा रहा हूँ, घर वालों को पाल नहीं सकते, तप जप से उन लोगों को भगवान नहीं मिलता। जो लोग अपने कुंडली के मुताबिक, मैं बताता हूँ कौन से ग्रह उसके होते हैं जो ऐसा करवाते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं वो तो ऐसा करवाते हैं, लेकिन आजकल आप सबको पता है ज्योतिष के नाम पर ठगी हो रही है। तो आजकल ज्योतिषी भी अच्छे नहीं होते, एस्ट्रोलॉजर कुछ हैं पढ़े लिखे,
मेरे जैसे हैं, मेरे से भी बहुत बढ़िया हैं, मैं तो अपने आप को कभी अच्छा नहीं मानता, मैं तो कहता हूँ मेरे को तो ज्योतिष आती नहीं है, ये मैं दिल की बात बताता हूँ। कहते हैं पढ़ पढ़ के मैं इतना पढ़ पाया कि मेरे को कुछ नहीं आता। तो इसलिए कुछ लोग बहुत कम पढ़े होते हैं, लोगों को भटकाते भी हैं। चलो इसके ऊपर चर्चा करूंगा मैं। आज शिफाली जी ने बात की वे ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो के लोग भाग जाते हैं अपनी जिम्मेवारियों को लेकर, लोग भाग जाते हैं कि सब कुछ छोड़ वोड़ कर। तो कुछ तो लोग ऐसे होते हैं, कुछ शिफाली जी दुनिया वाले भटका देते हैं, कुछ गलत गाइड करते हैं, जो गलत गाइड करते हैं उनका को भी 50% फल मिलता है वो भाग रहा है जो उसका 50%। अगर वो अच्छा कर रहा है शिफाली जी तो उसको 50% अच्छा फल मिलेगा जी। अगर वो बुरा कर रहा है तो उसको 50% बुरा फल मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे, पहले थोड़ी छोटी सी कहानी बता दूँ, क्योंकि जब तक कहानी नहीं आएगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एक राजा था बहुत बड़ा, वो सो रहा था, उसको सपना आया, एक छाया आई उसके सपने में। वो बोलने लगी, राजन कल शाम को आप सही समय पर सही जगह पर पहुंच जाना, मैं आपको लेने आ रही हूं। वो डर गया राजा एकदम से, क्या हो गया, ऐसा मैंने पाप कौन सा कर दिया जी? ऐसा मैंने कौन सा गुनाह कर दिया जो कि मेरे को छाया ऐसे करने लगी। उन्हें रात को 12 बजे का तकरीबन टाइम था, उन्होंने क्या किया, रात को डंका बजाया, जितने शहर के पिंड के जितने भी पढ़े लिखे ज्योतिषी, पढ़े लिखे विद्वान, गुरुजन सबको सभा में बुलाया गया। रात को पूरे गुरुजन सब वो घबरा गए, क्या हो गया एकदम से। रात को वो सबको बुलाया राजा ने, राजा बैठा गद्दी पे, कहता है मेरे को ऐसे 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 सपना आया है, मेरे को बताइए मैं कैसे बचूं, लगता है कि मैं मर जाऊंगा सुबह। वो छाया आके कह के गई है, मेरे ख्याल में वो यमराज थे जो मेरे को एक दिन पहले से आगाह करके चले गए, तो मैं क्या करूं। बड़े बड़े गुरुजन मंत्री संतरी सब लग गए सलाह करने में, जुट करने में, कहता ये समय नहीं है सलाह करने का। एक विद्वान ज्योतिषी उठा, जैसे कि आजकल विद्वान ज्योतिषी सभी बने हुए हैं, उस वक्त भी अच्छे विद्वान ज्योतिषी नहीं थे, जो थे वो कभी कभी पकड़ में नहीं आते थे। एक ज्योतिषी उठा, कहता है राजन आपके महल में एक बहुत तेज घोड़ा है, उसके ऊपर चढ़ जाइए, भाग जाइए सब कुछ छोड़ वोड़ कर, सब कुछ छोड़ वोड़ कर भाग जाइए। तो जब आप कहते हैं, जब नेगेटिविटी की आपको यहाँ पे नेगेटिविटी दिखाई दी, कुछ अच्छे भी थे कुछ बुरे भी थे भाई, उसने कहा सब छोड़ कर भाग जाइए। राजन को एकदम से सब ने सलाह दी, यार ये ज्योतिषी तो अच्छा कह रहा है, कहता है भाग जाइए सब कुछ, ये बात तो सही है, चलो तेज रफ्तार वाला मेरा घोड़ा निकालिए। घोड़ा निकाला गया, राजा डरा हुआ था, घोड़े पर बैठा, बहुत तेज रफ्तार से बहुत दूर चला गया। सुबह हो गई, सुबह से दोपहर हो गई, राजन को खाना पीना भूल गया, मौत के आगे किसको भूलता था, खाना पीना कहाँ याद रहता जब पता चल जाए मौत आने वाली है। चलो पता चल जाए आपको भी, आप कल तक नहीं रहोगे तो आप क्या करोगे, कहाँ पानी पीने को दिल करेगा। ऐसे ही राजन ने पानी नहीं पिया, कुछ खाया नहीं, वो भागता रहा भागता रहा भागता रहा। रात को 12 बजे चला, शाम को 6 बजे पहुंचा, तकरीबन 18 घंटे बीत चुके थे, घोड़ा भी थक गया वो भी थक गया। एक बड़ा पेड़ था उसके नीचे वो बैठा, कहता थोड़ी सांस ले लूँ, थोड़ा ख्याल आया अपने आप में बहुत थक गया हूँ, डर गया था, क्या किया 18 घंटे के बाद उसको होश आया, यार मैं कहाँ पेड़ के नीचे बैठा हूँ। वो छाया फिर आ गई, कहती राजन तू वाकई में बहुत अच्छा है, तेरे घोड़े को भी मैं सलामी देती हूँ जो इतनी रफ्तार से इतनी जा, कहते इस पूरे टाइम में मैंने तेरे को इसी जगह पे बुलाया था 6 बजे आ जा, तो तू वही जगह पे 6 बजे आ गया, मैं धन्यवाद करती हूँ तेरे घोड़े का, तू रास्ते में रुका नहीं, मैं बहुत चिंतित थी। वो छाया बोलने लगी, मैं बहुत चिंतित थी कि राजा यहाँ पे 6 बजे कैसे पहुँचेगा, उसको तो महल से कैसे उठेगा कैसे पहुंचेगा, मैं कैसे उसको हरण जाऊंगी, कैसे उसकी मृत्यु लेके जाऊंगी, यमराज के पास कैसे बचाऊंगी। तो मैं बहुत डरी हुई थी, आपने मेरा डर दूर कर दिया, आप मेरे पास पहुंच गए। तो छाया राज को लेके चले गए। उस वक्त भी कहते थे
ज्योतिषी ऐसे थे, जरूरी नहीं हर कहते आज से 5,000 साल पहले या 2,000 साल पहले या 1,000 साल पहले या 500 साल पहले ज्योतिषी अच्छे भी थे, ज्ञानी थे। पहले का विज्ञान, पहले का ज्ञान हमसे 99% ज़्यादा था। आज तक न तो वो ज्ञान मिला हमें, ना वो विज्ञान मिला, ना वो अस्त्र शस्त्र मिले जो के रातों रात मंदिर खड़ा कर देते थे, ना वो ऐसे शस्त्र मिले। कैलाश मंदिर है ना गुफाओं के पास, वहाँ कहते हैं अगर आज कैलाश पर मंदिर को बनाया जाए तो कितना समय लगता है, तकरीबन 7,000 या 15,000 मजदूर लगाकर, 20,000 मजदूर लगाकर लगातार काम करें तो कहते हैं 200 साल में मंदिर पूरा होगा। तो लेकिन रानी ने तो कहते हैं व्रत रखा था, मैं व्रत तब तोड़ूंगी जब ये मंदिर पूरा होगा। तो उसका ऐसा शस्त्र कौन से शस्त्र थे जो रातों रात मंदिर खड़ा कर देते थे, ऐसे कौन सा विज्ञान था जो 5 दिन में ही 1,000 सालों में बनने वाला मंदिर वो 5 दिन में बना देते थे। ऐसा विज्ञान है हमारे पास नहीं। पिरामिड, बड़े बड़े पत्थर, क्वांटल टन महाटन जैसे पत्थर ऐसे पर्वत के ऊपर रखे गए, क्या हमारे पास ऐसी टेक्निक है, बताइए, कभी नहीं। तो ये चीज़ें बहुत दूर हैं, हम उस वक्त भी नलायक ज्योतिषी था जिसने उसको भगा दिया, मुसीबत के साथ लड़ने नहीं दिया, बोला कि तुम जाओ, वहाँ जाके उसकी मृत्यु हो गई, उसको भगा दिया। तो इसी तरीके से आजकल भी ऐसे ही हो रहा है, जो लोग भाग रहे हैं कहते हैं कि भाग जाऊँ सब छोड़ वोड़ के, कहते हैं कि मैं मुझे यहाँ से भाग जाऊँगा कहीं कुछ अच्छा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो इंसान मुसीबतों से भागते हैं, डरते हैं, उनके साथ कभी अच्छा नहीं हो पाता। जो इंसान मुसीबत क्यों आती है, आपके ऊपर जंग लग गया, आपका जंग उतारने के लिए, आपको जंग जब तक उतरेगा नहीं तब तक आप खरा सोना बीच में से कैसे निकलोगे। वो खरा सोना तभी निकल पाएगा अगर आप उस मुसीबत से लड़ो। शनि और बुध का मेल हो तो इंसान घर से भाग जाता है। चलो ये तो मैंने मोटा मोटा एक स्टेंट में बता दिया, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि अपना पूरा घर बार छोड़ के भागते हैं शनि और बुध का मेल, लेकिन अगर चंद्रमा पीड़ित हो तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुदकुशी कर जाते हैं घबरा। अगर कहीं बुध और चंद्र का मेल हो तो दुनिया ही छोड़ देते हैं, कहते भाग जाऊं भाग जाऊं, भागते भागते कहीं पर मृत्यु अपनी तय कर लेते हैं। अकेला बुध और चंद्र का मेल हो, बुध और शनि का मेल हो तो इंसान, जिस बच्चे की कुंडली, छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे की कुंडली में आप देखिए बुध और शनि का मेल है तो समझ लीजिए वो खो जाएगा, गुम हो जाएगा बच्चा। तो अगर बच्चे की कुंडली में ये योग है तो कहते हैं बच्चा गुम हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़े बड़े योग बता रहा हूँ जो कि इंसान की किताबों में, आजकल की किताबों में नहीं मिलते। मैं खोज करता रहता हूँ आपके लिए ताकि आपको बहुत सी ऐसी बातें बताऊँ। तो इसी वजह है बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग घर छोड़ देते हैं। अगर सूर्य कहीं उच्च का हो जाए, कहते हैं उच्च का सूर्य बहुत बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया होता है, बदनामी से डरता इंसान तब भी भाग जाता है। उच्च का सूर्य हो, और कहते उच्च का सूर्य कहाँ होता है भाई, मेष राशि में। मेष राशि में उच्च का सूर्य आ जाए तो उसके दूसरे घर में 2 नंबर राशि आ गई, और 12वें घर में कौन सी आ गई राशि, सूर्य अगर उच्च का हो तो मीन राशि आ गए। देखिए अगर मीन राशि का शनि और बुध बैठा हो, साथ में चंद्र आ जाए, उच्च का सूर्य आ जाए, ऐसा इंसान बदनामी से डरता भाग जाता है, मेरी बदनामी ना हो जाए, तभी वो घर छोड़ के भाग। देखिए जब कहीं गुरु खराब हो रहा हो वो साधु संगत कर लेता है, गुरु अगर खराब होता है तब साधु संगत करता है। गुरु उच्च का कभी साधु संगत नहीं कराता, गुरु उच्च का अपने घर में ही बैठ के भगवान को पाने वाला इंसान होता है।
बहुत से ऐसे योग हैं जिसके बारे में बताता रहूंगा तो आप लिखते लिखते थक जाओगे, लेकिन कुंडली को देखना बहुत ज़्यादा कठिन है। इसलिए अगर आप कुंडली के बारे में जानना चाहते हो तो पहले आप जनरल बातों को जानिए, कहते हमारी जड़ को जानिए, ग्रह के बारे में अच्छे ढंग से जानिए कि कौन सा ग्रह उसको घर से भगा रहा है, जिम्मेवारियों से भगा रहा है। तो पहले मैंने बताया ना, पहले भी ऐसे ज्योतिषी थे जो गलत गाइड करते थे, आजकल भी हैं। मैं तो कहता हूँ मेरे पास तो ज्योतिष है नहीं, विद्या बहुत कम है, मैं अभी पढ़ रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ। आजकल तो मैंने ये सोचा नहीं, करना शुरू कर दिया है। मैंने अपना ब्राह्मण बुलाया है, मैंने कहा चार वेद छः शास्त्र ये जितने के जितने हैं सब मेरे को पढ़ के सुनाओ, ताकि 18 पुराण जो हैं हमारे ये सभी के सभी मेरे को आने चाहिए। चलो जुबानी तो नहीं आएंगे, कुछ उनकी दो चार बातें तो याद हो जाएंगी, शायद कुछ ज्ञान आ जाए आपको कुछ बताने के लिए, क्योंकि इन्हीं से पूरी दुनिया निकली है, इन्हीं से ही पूरी कहते हैं नौ निधि बारह सिद्धि। जिसके पास ये सब सिद्धियाँ सिद्धियाँ होती हैं तो यही ग्रंथ वेद पढ़ते ही हैं, उनके पास ही होती हैं। चलो मैं नहीं चाहता, मैं तो ऐसा ज्योतिषी बनना चाहता हूँ ये जो कुंडली से बाहर निकल जाऊँ, आप मेरे पास आओ, आपका फेस देखूँ, टाइम देखूँ, आप इस टाइम मेरे पास आए हो, उस टाइम की जो कुंडली है मेरे मन में बन जाए तो पता चल जाए कि आप क्या करने मेरे पास आए हो। ऐसा ज्योतिषी बनना चाहता हूँ मैं, लेकिन अभी बहुत दूर है, भगवान क्या पता कब, भोले शंकर की कब मर्जी होगी तो कब बनेगा। लेकिन ज्योतिष के बारे में अगर पढ़ने की बात करूं, ऐसी कौन सी किताब है जो मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन पढ़ पढ़ के मैंने ये पढ़ पाया मेरे को कुछ नहीं आता। ऐसी कौन सा ज्ञान है, ऐसी कौन सी जो कहते हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, मेधिनी, KP, भृगु और जो हमारी लाल किताब है और प्राचीन ज्योतिष, जितने भी ज्योतिष है पढ़ी है मैंने, लेकिन मुझे वहाँ पे निचोड़ तब मिला जब मैं अपनी गद्दी पे बैठता हूँ, लोगों की कुंडलियाँ देखता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ लोग नहीं बोलूँगा, सभी अपने बोलता हूँ, जहाँ पे मैं उनकी कुंडलियाँ देखता हूँ तभी मुझे पता चलता है कि वाकई में कि ये है असली ज्योतिष जो अनुभव करवाती हैं हमें, जो कि सामने हमारे आती है उसी वक्त हमें पता चलता है ये इंसान ऐसा है, ये तो बात किताब में लिखी तो ये तो गलत है, तभी मैं किताबों की बातें यहाँ पे नहीं बोलता। मैं प्रैक्टिकल अपना अनुभव आपको बताता हूँ, ताकि जो कुंडली में आपके सामने अगर कोई इंसान आया, उसने क्या पहना, कौन से कपड़े पहन लिया, वो कैसे आ रहा है, तो उसका ये मतलब दुखी है या सुखी है, वो आपके पास खुशी का पैगाम लेके आया या दुख का पैगाम लेके आया। जरूरी नहीं ज्योतिषी के पास सब दुखी वाले आते हैं, खुशी वाले भी आते हैं, हमारी लड़की की मंगनी होगी शादी कब करवाएं, अब हमारे लड़की देखी है ये लड़की हमारे लिए अच्छी है या बुरी है, हमने मकान लिया है ये हमारे लिए मकान अच्छा है या बुरा, जरूरी नहीं दुखी वाले ही आते हैं, वो अलग बात है। 90% लोग बेचारे परेशान आते हैं और 10% खुशी वाले भी आते हैं, जो जिसके घर में त्यौहार होने वाला है, बच्चा होता है, पूजा वगैरह करवाने आते हैं। जी प्रोफेसर, अभी आपने बताया कि अगर बुध और शनि का मेल हो तो इंसान भाग जाता है, ये तो बात थी भागने तक की, लेकिन कुछ इंसान होते हैं बहुत सारे बिजनेस कर लेते हैं और ज़िंदगी में इतना अक जाते हैं, छोड़ ही देते हैं, घर पे बैठ जाते हैं, उनका इतना मन उब जाता है क्योंकि जितना वो डिज़र्व करते हैं उतना उनको कभी मिलता नहीं है। क्या कुंडली में ऐसा कोई दोष होता है कि इंसान जितना डिज़र्व करता है उतना उनको नहीं मिल पाता, और कुछ लोग सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, उनको भी ऐसे ही होता है और तरक्की नहीं मिल पाती, सारी ज़िंदगी सरकारी जॉब में निकल जाती है लेकिन तरक्की नहीं मिलती, तो उनके बारे में थोड़ी सा बताइए। शेफाली जी, जिसका राहु लग्न में होता है, जिसका सूर्य खराब हो जाता है, जिसकी कुंडली में ऐसे कुछ ग्रह बन जाते हैं जिसके बारे में सूर्य खराब हो गया, मंगल खराब हो गया, तो सरकार राज दरबार से बेनिफिट नहीं मिलता। जो इंसान चाहता है कि मेरे तरक्की हो, मेरे साथ अच्छा हो, वो कभी अच्छा नहीं हो पाता, क्योंकि राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है। जो इंसान की कुंडली में राहु लग्न में है, अगर वो सरकारी नौकरी कर रहा है तो समझ लीजिए जितना वो चाहता है बड़ा अफसर बनना, वो कभी नहीं बन पाएगा।
जब तक वो राहु का इलाज नहीं करवाता जी। शेफाली जी कहते हैं मंगल अगर छठे हाउस में आ जाए जी, सूर्य उच्च हो जाता है जी, तब भी सूर्य बढ़िया हो जाता है मंगल अगर छठे हाउस में आ जाए। लाल किताब कहती है केतु भी अगर लग्न में आ जाए तो सूर्य उच्च हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो इंसान दौड़ता मर जाता है, कामयाब नहीं हो पाता। देखिए बहुत सी बातें हैं, मैंने किताबें सारी पढ़ी हैं, सभी किताबों में हर एक फल नहीं मिल पाता जब तक आप कुंडली आपके सामने नहीं मिल पाते। तो कुंडली में बहुत से योग होते हैं, सूर्य अगर खराब हो समझ लीजिए आपको योग में तरक्की नहीं मिलेगी। जी जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने बात की कि केतु लगन में हो तो सूर्य उच्च का हो जाता है, तो ऐसे कई केतु लगन वाले हैं जो सरकारी जॉब भी कर रहे हैं, और ऐसे भी हैं जो थोड़ी सी मेहनत करते हैं उन्हें फल मिल जाता, और ऐसे भी हैं जो सारी ज़िंदगी मेहनत करते रहते हैं उनको फल नहीं मिलता। शेफाली जी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि केतु अगर लगन में हो जी तो सरकारी जॉब भी होती है, थोड़ा काम करते हैं कामयाब होते हैं। मैं आप सबको एक बात बताने वाला हूं यहां पे, अगर केतु की पोजीशन देखनी है तो गुरु को देखना जरूर चाहिए जी। अगर केतु लगन में है तो गुरु अच्छा हो रहा है चौथे घर में बैठ के जी, गुरु कहीं और नौवें घर में बैठ के अच्छा हो रहा है, गुरु तीसरे घर में भी अच्छा होता है, गुरु ग्यारहवें घर में भी अच्छा होता है, लेकिन कारक भाव भाव नाशिया, ग्यारहवां घर नौवां घर पंचम घर में गुरु अच्छा होता है। अगर कोई सात ग्रह बैठा हो तो चंद्र जैसा ग्रह साथ में आ जाए, मंगल जैसा ग्रह साथ में आ जाए, तो तभी केतु का निर्णय लिया जा सकता है। अगर कहीं गुरु, क्योंकि अगर उसका मान लीजिए शेफाली जी, जी मैं अगर तरक्की करूं जी, मेरी अगर तरक्की हो रही है, मेरा बाप कुछ और काम करता है जी, या उसका वो कामयाब नहीं हो पाया, या जिसको मैं मानता हूं वो गुरु है, तो लोगों में कहीं ना कहीं मेरी बदनामी ही होगी जी, बिल्कुल होगी, क्योंकि उसका बोलता वो जिसको वो मानता है वो उसका गुरु तो बेचारा बेचार है, तो ये इस इंसान की तरक्की नहीं हो पाएगी। इसलिए अगर केतु की पोजीशन को देखना चाहते हो तो गुरु की पोजीशन को जरूर देखना चाहिए। शेफाली जी ये बहुत से ऐसे रहस्य हैं ज्योतिष में जी, जो इंसान बिल्कुल नहीं जानता जी, लेकिन इसी रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए मैं आपके सामने आता हूँ। चाहे कितना भी बिजी हो, आज संडे का दिन है, जैसे शेफाली जी ने बोला लॉकडाउन है संडे को, तो मैंने शेफाली जी को घर, तो आपको पता ही है शेफाली जी ने पास में ले लिया, तो मैंने शेफाली जी को रेडी होके आप आ जाओ हम यहाँ पे अपने घर में बैठ के एपिसोड करते हैं, तो कैमरे वगैरह मैंने रात को ही उठा लिए थे, गाड़ी में रख लिए थे, क्योंकि मुझे पता है घर में बैठ के मैं तो पागल हो जाऊँगा, क्योंकि मैं काम नहीं करूँगा तो मेरे को ऐसा लगता है जो इंसान 17 साल किसी उम्र से लेकर 50 साल की उम्र हो चुकी तकरीबन होने को है, तो वो इंसान कभी एक दिन फ्री ना बैठा हो तो घर में वो अकेला फ्री पागल हो जाता है। जैसे लॉकडाउन पूरा रहा, लेकिन मैं हर लॉकडाउन में अपनी वीडियो बनाता रहा, हर लॉकडाउन में कोई ना कोई काम करता रहा, खोज करता रहा, लेकिन मैं नहीं बैठा अपने घर में भी। तो इसलिए जब भी होना, अब लॉकडाउन है, हमारा घर बिल्कुल पास में ही है, हम घर में बैठ के एपिसोड कर रहे हैं, हमारा कंसेप्ट हमारे पास होता है, जो मेरा भांजा है उसको मैंने कैमरा सिखा दिया है, वो कैमरामैन बन गया, मेरा बेटा है वो भी कैमरामैन बना दिया, उसको मैंने बता दिया भी सबने आपने ये सब करना है, क्योंकि लॉकडाउन में तो कोई कैमरामैन आ नहीं सकता, हमारा डायरेक्टर नहीं आ सकता हमारे पास, तो इसीलिए सबको मैंने अपने जो हमारा मेरा पूरे टीम है उनको मैंने ये सारी चीज़ें सिखा दी हैं, हम घर में बैठ के एपिसोड कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि मैं कभी भी फ्री ना हूं, जो भी कुछ मेरे पास ज्ञान है, जो ज्ञान का जो भंडार मेरे पास था वो मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करता हूं, ताकि आपको पता चले कि ज्योतिष हमारी बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया है, वो अलग बात है, हमारे पास ज्योतिष नहीं है, ज्योतिष बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया रहेगी, वो अलग बात है, ज्योतिषियों के पास ज्योतिष नहीं है, वो अलग बात है, वो खोज करना ही नहीं चाहते, वो अलग बात है, हम जैसे कि मैं खोज करता रहता हूँ, हाँ वो अलग बात है, हम क्या पता वहाँ तक पहुँच सके या ना पहुँच सके, लेकिन मेरे बाद जो मेरा ज्ञान है वो पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि इससे ये चीज़ें मिलती है। जी जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने बताया कि बुध और शनि का मेल है, जाते जाते आपने टिप ऑफ द डे भी देना है और बताना भी है एक चीज़ के बारे में, लेकिन मैं ये जरूर पूछना चाहूँगी आपसे कि अगर बुध और शनि का मेल है, क्या कुंडली देखकर अगर आप बता दें कि बुध और शनि का मेल है, इंसान घर से भागेगा भागेगा, लेकिन उसको रोकने के लिए कौन सा उपाय हो सकता है, ये आप जाते जाते कैमरे के सामने ये चीज़ बोल सकते हैं? बहुत अच्छा शेफाली जी,
क्यों नहीं? अगर बुध और शनि का मेल है, उसको रोकने के लिए कौन सा उपाय हो सकता है? बहुत आसान उपाय होते हैं अगर वो इंसान, शनि क्या है, बुध क्या है, साबत बादाम दोनों में का मिश्रण आ जाता है। तो इसलिए आपने क्या करना है, अगर 27 बादाम मंदिर में आप शिवलिंग के पास रख के आते हो, इससे जो योग है, वो योग बुरा योग है, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। बुधवार को रखने हैं सुबह 8:15 से पहले पहले। जी प्रोफेसर, टिप ऑफ द डे जिसका आधार बहुत बड़ा है, और मैंने एक क्वेश्चन बीच में लिया था लेकिन आपने उसका भी जवाब नहीं दिया, तो टिप ऑफ द डे इस पे ही बता दीजिए, जो दौड़ते हुए घोड़े हैं ये घर में किस डायरेक्शन में लगाने चाहिए, और ये अंदर की तरफ लगाने चाहिए या बाहर की तरफ लगाने चाहिए, ऐसा कुछ कुछ बताइए ना आप। बहुत अच्छा पूछा शिवाली जी आपने। आपने ये मेरी दीवार के ऊपर दौड़ते हुए घोड़े बनाए पूछ के इसके बारे में पूछा जी। तो चलो बहुत आसान है, बताता हूँ मैं। अगर दौड़ते हुए घोड़े आप अपने अंदर की ओर लगाते हो, भी दौड़ते हुए घोड़े अंदर दौड़ रहे हैं, तो वो इंसान के पास कभी भी ना तो काम की कमी रहेगी ना पैसे की कमी रहेगी। अगर बाहर की ओर दौड़ते हो तो वो इंसान कभी घर पे टिक नहीं पाएगा। इसलिए दौड़ते हुए घोड़ों की अगर पिक्चर लगाना चाहते हो तो अंदर की ओर, जैसे ये मेरी सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हैं, ये अंदर की ओर दौड़ रहे हैं। तो इसलिए अगर अंदर की ओर दौड़ते हुए घोड़े लगाते हो तो वो इंसान कभी भी आलस नहीं करता, हमेशा ज़िंदगी में कामयाब रहता, उसको घोड़े की तरह भागना पड़ता है। अगर कोई भी इंसान भागेगा कामयाब ज़रूर होगा। अगर आपको भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों का भी जो है भला हो सके। आप भी अगर मिलना चाहते हैं प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब से तो नीचे अपॉइंटमेंट नंबर चल रहे हैं, इन्हीं पे आपको कॉल करना है, इन्हीं पे आपको अपॉइंटमेंट भी लेनी है। तो आप प्रोफेसर गुरदीप बड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसलिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आबाद रहें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।